हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड एंड मैरिड को भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके जो पर्सन है गाइस, अभी तो वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आता गाइस कि क्या उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते पर काम करना चाहिए या अब ऐसा है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि ये क्या करें, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और ये खुद आपके लिए कोई एक्शन लेने के बजाय क्या कर रहे हैं कि आपका वेट कर रहे हैं। ये इस आपका वेट ऐसे कर रहे हैं कि आप खुद से इनसे कांटेक्ट करोगे, आप पहल करोगे, ऐसा ये आपका इंतजार कर रहे हैं और ये खुद से कुछ नहीं करना चाहते। देखिए, फैमिली की बात हो, इनके वर्क की बात हो, वहां पर बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जहां पर बात आपके साथ रिश्ते की आती है तो ये इंसान कंफ्यूज रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए। फिर ये इगोइस्टिक है तो झुकना भी नहीं चाहते, और ऐसा है कि अपनी फीलिंग आपको नहीं बताना चाहते, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये रिश्ता सही नहीं हो पा रहा है। आप लोग अलग हैं, लंबे समय से हो सकता है कि आप दोनों अलग हैं, और ये इंसान का वही है कि ये खुद से झुकना नहीं चाहते और कंफ्यूज इसीलिए हैं कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। चाहते हैं ये भी आपकी तरफ बढ़ना, फिर वही इनको लगता है कि नहीं, अब ये सब सही नहीं है, ये तो आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, तो अब इनको अपनी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो उनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, अकेले भी हैं तो भी अब आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी इनके दिमाग में चलता है। आपके पर्सन की इच्छा तो यही है गाइस कि ये मूव ऑन कर लें, अब इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर वही होता है कि ये कुछ समय बाद फिर आपको मिस करने लगते हैं, फिर इनका मन होता है कि आपसे बात कर लें, आपकी तरफ बढ़ जाए, लेकिन इनकी इच्छा तो यही है कि आपसे मूव ऑन कर लें। और पास्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की भी है आपसे मूव ऑन करने की, पर ये कर नहीं पाए हैं और अभी भी इनकी यही इच्छा है कि ये मूव ऑन कर लें। और ये भी समझ पाए हैं गाइस कि कुछ ना कुछ ऐसी तो ऐसा रिश्ता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये सारी बातें भी इनको समझ में आती हैं और फिर इन्हें यही लगता है कि इस रिश्ते को सही करना है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पास की गलतियां भी इन्हें याद आती हैं, ये जो आपको हर्ट करके गए वो सब इनको याद आता है, और इनको यही लगता है कि फिर इतना कुछ हो गया और अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप इनको थोड़ी ना अपनी लाइफ में आने दोगे वापस, या फिर इनको एक मौका आप थोड़े ना दोगे, ये इनके दिमाग में बात रहती है। इसके लिए क्या हो रहा है, ये मिस भी कर रहे हैं आपको और खुद को रोक कर भी रख रहे हैं। और बात ये भी है कि ये झुकना भी नहीं चाहते, अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। और जब ये आपके साथ रिश्ते में थे गाइस तो बस ये टाइम पास ही इनका था, इनको यही था कि अभी जो चल रहा है चलने दो, फ्यूचर के बारे में कभी भी ये नहीं सोचे। और अगर आप इनसे कमिटमेंट वगैरह मांगते, फ्यूचर की बात करते, तो ये आपकी बात को सुनते भी नहीं, आपको इग्नोर करते या बात घुमा देते या आपसे दूर भागने लगते, ऐसा भी रहा है। लेकिन अभी जब आपसे ये अलग हो गए हैं तो अब ये आपके लिए सीरियस दिखाई देते हैं, इस रिश्ते के लिए अब ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि ये टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता बना रहे और इसको किसी भी तरह से इसमें जो परेशानी आई है इसको ख़त्म करना होगा, तो अब ये सीरियस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। और ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उन लोगों के लिए भी ये इंसान सीरियस नहीं थे और पास्ट में आपके लिए भी ये सीरियस नहीं थे, इनका यही था कि टाइम पास करना है और फ्यूचर की प्लानिंग तो कुछ थी नहीं, लेकिन उन लोगों को ये ऐसा है कि भूल गए, आसानी से भूल गए, लेकिन आपको ये भूल नहीं पा रहे, तो वही इनको लगता है कि ऐसी क्या बात है इस रिश्ते में ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं नहीं कर पाते, क्यों ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और इनको यही लगता है कि जब ऐसा ही है कि मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं तो इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके बिना ये भी परेशान रहते हैं, आपको ये भी मिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस आपको याद नहीं करना, कि ये पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करना है और मूव ऑन करना है, तो ये भी इनसे नहीं हो पाता, तो इनको अब यही लगता है कि बस अब आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, इसी यही सही रास्ता है, क्योंकि इसके अलावा ये और कुछ कर भी नहीं सकते, इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता है भी नहीं। और ये भी चाहते हैं कि अपनी फैमिली के हिसाब से चलें,
उनकी फैमिली जहाँ कह रही है वहाँ ये मैरिज कर लें, या फिर किसी और के साथ पहले से ही ये मैरिड हैं, किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो उनका उनकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए, उन्हीं का बस साथ देना है और किसी को उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना। तो ये सब ये भी सोचते हैं लेकिन इनसे ये सब हो नहीं पा रहा है। इनको ऐसा है कि किसी भी तरह आप ही की याद सताती है, आपको ये मिस करने लगते हैं, तो इनके साथ ये परेशानी है। ये भले ही चाहते हैं कि फैमिली जहाँ कहे वहाँ ये शादी कर लें और किसी को ये हर्ट ना करें, उनके हिसाब से ये चले, थर्ड पार्टी जो भी इनके साथ है उनको ये हर्ट करना नहीं चाहते और उनका साथ ये देना चाहते हैं, उनके हिसाब से ही चलना चाहते हैं, पर वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है। कुछ समय तक तो इन्होंने ऐसा किया भी कि अपनी फैमिली की अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी तो उनके हिसाब से चले हैं, उनकी बातों को मानते थे और उन्हीं की वजह से आपको छोड़कर क्या किया इन्होंने, उन लोगों को चुन लिया। और यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, कोई अगर रोमांटिक पार्टनर है, तो उसके साथ भी वही किया है इन्होंने कि उनको ये चुन लिया और आपका साथ छोड़ दिया। तो ये पहले तो थर्ड पार्टी के हिसाब से ही चले हैं उनको खुश रखने के लिए, लेकिन अभी भी चाहते तो ये वही हैं कि थर्ड पार्टी का साथ इनको देना है, उनके साथ ये ऐसा है कि बेईमानी नहीं कर सकते, उनका साथ ये नहीं छोड़ सकते, उन लोगों को ये हर्ट नहीं कर सकते, ये तो अभी भी इनके दिमाग में चलता है। लेकिन फिर वही बात है कि ये आपके बिना जो रह नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से इनको लगता है कि अब उन लोगों को भी हर्ट करना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी के खिलाफ इनको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपको वापस अपनी लाइफ में ला नहीं पाएंगे। और ये ऐसे तो रह नहीं सकते, आपका साथ इनको चाहिए। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी आपके पर्सन को पैसों वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वगैरह की दिक्कत जिस तरह पहले रही है अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है इनके साथ। और जहाँ भी ये हैं वहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों से अनबन तो चल रही है, विचार नहीं मिल रहे, जो भी परेशानी है, लेकिन ऐसा है कि पैसे वगैरह की भी कोई परेशानी इनको नहीं है, तो काम इनका सही चल रहा है क्योंकि इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। अभी कुछ टाइम पहले तो यही था कि इनका काम सही नहीं चल रहा था, और अब आपकी रीडिंग में यही है कि अब इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इनका काम भी सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत कर ली उसके लिए। हाँ, जो इनके साथ कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चल रही है, बाकी तो सब कुछ इनके साथ सही ही है। और ऐसा है गाइस कि बस इनके साथ जो समस्या है ये ऐसा है कि यही है कि जो इनका जो रिश्ते में परेशानी चल रही है वो है, एक तो आपके साथ भी इनके रिश्ते में परेशानी है और थर्ड पार्टी के साथ भी इनके रिश्ते में परेशानी चल रही है, बाकी पैसों वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई परेशानी इनके अभी नहीं है। तो ये इंसान ऐसा है कि देखिए आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा भी है, दोनों ही आप चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आए और इस रिश्ते में जो भी परेशानी है ये ख़त्म हो, फिर से आप दोनों पहले की तरह एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ें, ऐसा जो आप चाह रहे हैं यही आपके पर्सन भी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप भी उनको मिस करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, लेकिन वही है जो कल तक एक्शन नहीं लेना चाहते थे आपके पर्सन, मूव ऑन करना चाहते थे, तो अब वो ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को वो ऐसा है कि छोड़ना नहीं चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते। और यूनिवर्स की तरफ से ही आपके पर्सन को बताया जा रहा है कि वो आपके लिए एक्शन लें, इस रिश्ते पर उन्हें काम करना है, लेकिन आपके जो पर्सन है गाइस वो इस बात को समझने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, जो यूनिवर्स उनको समझाना चाहते हैं इसका ऐसा है कि इनको समझने में समय लग रहा है। ये ऐसा है कि अभी तुरंत एक्शन ले लें ये इनसे नहीं हो रहा है, इनको ये लगता है कि थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा है कि आप अपनी तरफ से कोई पहल कर लें, या फिर इनको ये भी लगता है कि अगर ये बढ़ेंगे तो आप फिर क्या कहेंगे, कहीं आप इनसे ऐसा है कि लड़ाई झगड़े ना करो, तो ये इन सब को भी सोचकर बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ये अब किसी भी तरह से आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, बस वो यही चाहते हैं कि आप ये आपकी तरफ बढ़े तो आप इनको एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा है कि जो भी ये गलत करके गए हैं, जो भी ये ऐसा कि पास में अगर आपको क्लियरिटी नहीं दी थी तो वो आपको देंगे, लेकिन आप इनसे झगड़े करो या आप इनसे नाराज़गी दिखाओ ये सब ये नहीं चाहते हैं, इससे इनको लगता है कि ये खुद हर्ट हो जाएंगे, फिर इनको यही लगेगा कि क्यों इन्होंने आपको कॉल किया, क्यों मैसेज किया, क्यों आपसे बात की, जब यही सब सुनना था तो ये चाहते हैं कि जब आपकी तरफ बढ़े तो आप इन्हें एक्सेप्ट करो। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।